तो तस्वीरें देख सकते हो, ये हम आ चुके हैं खिड़की दौला टोल प्लाजा के पास में, और ये द्वारका एक्सप्रेसवे का ये इंटरचेंज है। और ये आपको बता दें, जो रोड जा रही है ये है NH 44, यानी कि ये दिल्ली से और जयपुर के लिए चला जाता, उसी पे ये इंटरचेंज बनाया गया है। तस्वीरें देख सकते हो कि अभी ये सेगमेंट जोड़ने का काम चल रहा है, जो इसके बिंग्स को है वो ऐड किए जा रहे हैं। इसके सेगमेंट को तो जोड़ दिया गया है, लेकिन इसके जो विंग्स हैं उनको जोड़ा जा रहा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये रहा, देखो ये पूरे इंटरचेंज बनाया जा रहा है यहाँ पर। इधर अगर हम इधर जाते हैं तो चले जाएंगे आपको गुड़गांव के लिए, और अगर हम इस साइड में जाते हैं इधर सीधे चले जाएंगे तो हम चले जाएंगे भिवाड़ी जयपुर नीवराणा। देख सकते हैं ये सारा इंटरचेंज है पूरा, तो आपको दिखाते हैं ऊपर चढ़ के, फिर आप बताना क्या कैसा लग रहा है आप सभी को। गाइस, ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर डे। देखो दोस्तों, ये बनाया जा रहा है इंटरचेंज, देख सकते हैं खिड़की दौला के पास में, और ये NH 44 पे ये इंटरचेंज बनाया जा रहा है। इसके सेगमेंट को तो जोड़ दिया गया, और इसके जो विंग्स को ऐड किया जा रहा है, लॉन्चर वो लगे हुए हैं सामने। तस्वीरें ये देख सकते हो, और ये है द्वारका एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज NH 44 पे, और ये देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है, और इसके बीच में ही ये इंटरचेंज बनाया जा रहा है। जो उधर से आएंगे, जो हमें जयपुर जाना, वो इसको यूज करेंगे, और जिनको चढ़ना है वो सोना के लिए जाएंगे, जो मुंबई एक्सप्रेसवे पे जाएंगे वो इधर चले जाएंगे। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, तो यही वर्क चल रहा है यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे पर बहुत तेज़ी के साथ में। और यहाँ पर जो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ये देख सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन का सामान है सारा, ये इसमें सेगमेंट भी जोड़ दिया है और इसके विंग्स को भी जोड़ दिया, और ये आगे निकल जाएगा दोस्तों, ये सीधा पार्ट निकल जाएगा, आपको बता दूं, ये सीधा निकल जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर दिया जाएगा, आगे जाकर हो जाएगा। तो इसी वजह से मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा NH 44 पर बहुत ज़्यादा जाम रहता है, तो इसी वजह से ये नितिन गडकरी साहब ने बनवाया है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, और इसके पिलर भी बहुत हैवी हैं, तो आपको पहले इधर से देख लो, फिर आपको दूसरी साइड का दिखाऊंगा मैं। पर ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ केपी संत आप लोगों के बीच में लाता रहता है कंटिन्यू, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को विजिट करो गाइस। देख सकते हो ये सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी इस टाइम पे, द्वारका एक्सप्रेसवे का जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है NH 44 पे, उसका वर्क मैं आप लोगों को आज दिखाने के लिए लाया हूँ गाइस। देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये वर्क चल रहा है, और नीचे है, अब देखो ये वर्क चल रहा है, ये NH 44 है नीचे, जो कि दिल्ली से जयपुर के लिए जा रहा है, और उस पर ये द्वारका एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज बनाया जा रहा है। और आपको बता दो, सेगमेंट को देखो जोड़ दिया गया, अब ये विंग्स को जोड़ने का काम चल रहा है, आगे देख सकते वो लॉन्चर लगा हुआ है गाइस, और उधर का तो ये जोड़ दिया इन्होंने, विंग्स को ऐड कर दिया है, इस तरीके से ये विंग्स को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है गाइस, ये देखो कुछ इस तरीके से जोड़ा जाता है। और ये नीचे का
कंस्ट्रक्शन का सामान है ये देखो सारे में। और ये अगर सीधे जाते तो हम निकल जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे, जो कि सोना को क्रॉस करने के बाद में आ जाता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो वो भी आप लोगों को अगले महीने नई साल के बाद में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देख सकते हो उधर भी दूसरा वो बनाया जा रहा है, ये देखो कुछ इसी तरीके से ये बनाया जा रहा है यहाँ पर इंटरचेंज। और इसका जो रैंप बनाने का काम है वो चल रहा है, देखो मिट्टी की लेवलिंग की जा रही है, ये रोड लोलर द्वारा इसको दबाया जा रहा है मिट्टी को, फिर इस पर कंक्रीट की लेयर डाली जाएगी, उसके बाद में ये कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यही सीन है यहाँ का, देख सकते हो तस्वीरें। अभी आपने उस साइड का देखा था, अब आप इस साइड का देख सकते हो कि सामने से ये मुंबई जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाया, जब हम उधर से आएंगे तो हम यहाँ से ये राइट होते चले जाएंगे जयपुर के लिए। दोस्तों देख सकते हो तस्वीर, जब हम उधर से आएंगे तो जयपुर के लिए हम ये उतर जाएंगे नीचे। और अगर हम यहाँ से आपको बता दूँ, अगर द्वारका के लिए जाते तो हम यहाँ से चढ़ जाएंगे, जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं ऐसे ऊपर चढ़ जाएंगे और ये सामने निकलेंगे जाके ऐसे द्वारका होते हुए अंदर के लिए। दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये है नज़ारे यहाँ के। और देखो काफ़ी लंबा चौड़ा ये इंटरचेंज बनाया जा रहा है इस टाइम पर, तस्वीर आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हो। और ये NH44 है जो कि खिड़की दौला में पड़ता है गई, ये खिड़की दौला है। और यहाँ इसके पास में ही आपको बता दूँ गुरुग्राम क्रॉस करने के बाद में खिड़की दौला आ जाता है, और वहीं पर ये टोल प्लाजा उसके पास में ही है ये जो इंटरचेंज बनाया गया है गाइस। तो द्वारका एक्सप्रेस वे ये देख सकते, ये विंग्स को जोड़ा जा रहा है, सेगमेंट को पहले ही जोड़ दिया है, ये विंग्स को जोड़ा जा रहा है, लॉन्चर वो ऊपर लगा हुआ है। तो इसी तरीके से ये विंग्स को जोड़ा जाता है और ये बनाया जा रहा है अंडर पास, ये व्हीकल अंडर पास है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये बनाया जा रहा है गाइस, ये देख सकते हो। और ये निकल जाएगा सीधा आपका बता दूँ कैसे मूर्ति महिपालपुर के लिए। तो अभी यहाँ पर वो देखो गाटर यहाँ पर डाले हैं और गाटर लॉन्चिंग का अब काम चल रहा है वो वहाँ पे देख सकते हो। और ये बाकी सारे सेगमेंट इन्होंने जोड़ दिए हैं इस जगह पे, ये देख सकते हो। तो यही वर्क चल रहा है। तो आप लोग बताना कि यहाँ पर पूरा ये इंटरचेंज बनाया जा रहा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है।
तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए गाइस, और आप हमें बताओ कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, कि काफ़ी टाइम के बाद मैं आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया तो मैं नहीं दिखा पा रहा था आप लोगों को, ने फाइनली आप लोगों की वजह से ये मुमकिन हो पा रहा। तो देख सकते हो ये डबल इंटरचेंज बनाया जा रहा है, कुछ इस तरीके से ये इंटरचेंज बना रहा है, इसकी फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। तो देख सकते हो ये टीम वर्क कर रही है गाइस, ये देख सकते हो ये टीम लगी हुई है ऊपर भी, उस पर फ्लोर किया जा रहा है, मतलब कि सरिये डाले जा रहे हैं, उसका जाल बनाया जा रहा है, और नीचे भी ये देख सकते हो ये अंडर पास का इधर भी ये काम चल रहा है गाइस। तो बीच में ये पूरा हो जाएगा इंटरचेंज, और आगे भी है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर गाइस। तो देखो कुछ ये वर्क चल रहा है, ये देख सकते हो टीम लगी हुई है, और आपको बता दूं गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में इस पर फ्लोरिंग का काम चल रहा है बीच के हिस्से पर, बाकी तो इधर सारे देख सकते हो ये बिंग्स को भी जोड़ दिया है और सेगमेंट को पहले ही जोड़ दिया था इन्होंने, जैसे कि उस साइड में जोड़ा जा रहा है। तो बाकी तो ये कंप्लीट हो गया, अब इस पर बस ब्लैक टॉप होना है, बाकी तो ये कम्प्लीट सा ही हो चुका है। तो आप दिखाते हैं आप लोगों को आगे चल के गई।